हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। माय नेम इज सत्येंद्र एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सीटी एलएलएम की प्रिपरेशन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यस, एज वी ऑल नो, बहुत ही लंबे अरसे के बाद में डेट जो है एग्जाम की वो आ चुकी है एंड इज 20th of March 2024। सो वी हैव रफली 3 वीक्स लेफ्ट विद अस नाउ, तो हमें उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसलिए हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए है जिसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत कम आए थे, बट इट इज इनफैक्ट अ मेजर लॉ। यस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा मेजर लॉ है, बहुत बड़ा एक्ट है। बट एज वी नो दैट लास्ट ईयर ओनली वन सिंगल क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो हमें कौन से क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत ही जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है विल कवर अराउंड 20 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राइट, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। ऑप्शंस है नेचुरल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील और यहाँ पे नन ऑफ द अबव। एज वी नो दैट हमने देखा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन के जो केस था, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस है, आप सबको पता होना चाहिए सोलोमन केस। उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी की बात की गई थी। सेपरेट लीगल एंटिटी की जब बात की गई थी तो उसका मतलब होता है कि जो कंपनी होती है वो उसके शेयर होल्डर से या फिर मेंबर से डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि वो नेचुरल पर्सन है? यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो पर्सन हो सकते हैं, एक हो सकता है नेचुरल पर्सन और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सनल हो सकता है। राइट, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी, हमने मान लिया कि वो एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, बट वेदर इज इट अ नेचुरल पर्सनैलिटी और अ आर्टिफिशियल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी, जिसको हम लीगल पर्सनैलिटी भी कहते हैं। राइट, सो यहाँ पे द राइट आंसर इज दैट The company is an artificial personality or juristic personality and it's not a natural personality. Natural persons कौन होते हैं? जैसे कि आप और मैं जो कि homo sapiens है। Right? So यहाँ पे natural persons is the right answer because it is not the characteristic of a company. ठीक है, ये इसका explanation है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू, whether a company is considered a citizen or not. तो हमने जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में नोटिस किया दैट द कंपनी इज ऑल्दो इट इज अ सेपरेट एंटिटी सोलोमन केस पर वो आ चुका था, बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। सो इफ इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स और होमो सेपियंस, देन क्या सिटीजनशिप एक्ट जो इंडिया का है उसमें कंपनी को एज अ सिटीजन का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है? द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो यहाँ पे क्या कंपनी सिटीजन है? द राइट आंसर वुड बी नो। ठीक है, राइट नाउ अभी जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है एंड सीयूटी की प्रेपरेशन में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज। तो यहाँ पे वो टेस्ट करने के लिए होते हैं कि स्टूडेंट की थियोरेटिकल नॉलेज कितनी डेप्थ तक है। सो अगर आपने बैरक से पढ़ा होगा या फिर आपने उसके आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, देन देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी दैट यू फेस ट्रबल यू नो ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस एग्जाम्स, सॉरी दिस क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है तो आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल दो ये जो क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग के इसको डिफिकल्ट लेवल में माना जाता है। राइट, लेट्स सॉल्व इट। क्या बोल रहा है असर्शन? असर्शन कह रहा है कि द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हमें पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4 में फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, सेक्शन 3 के साथ में जो कि एमओए की बात करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, ये जो डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी में प्राइम होते हैं। आर्टिकल्स की बात कर दी, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द पेटिशन फॉर द बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब आर्टिकल्स जो है बहुत सारे राइट्स को रेस्ट्रिक्ट तो करता है, लेकिन क्या मेंबर्स के वाइंडिंग अप की पिटिशन में भी रेस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं, वो हमें देखना है। रीजन बोल रहा है कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द आर्टिकल शैल प्रिवेल। अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जो रीजन है वो यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स कभी भी किसी भी यू नो मेंबर के या फिर किसी भी शेयर होल्डर के वाइंडिंग अप पिटिशन पे नहीं कर सकते हैं कोई भी रेस्ट्रिक्शन। राइट, ये इसके लिए द राइट आंसर इज यहाँ पे डी। इसलिए सिर्फ यहाँ पे ए इज नॉट करेक्ट एंड ओनली आर इज करेक्ट, जैसे कि हमने अभी देखा। ठीक है, नाउ फर्स्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग कब होती है गाइस? फर्स्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे यहाँ पे चैप्टर जो आपका चैप्टर 12 होता है, राइट, यहाँ पे बात करता है मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मतलब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
राइट, चैप्टर 11 के बाद आता है यानी डायरेक्टर्स के बाद आता है। यहाँ पे सेक्शंस आपको 173 से 195 देखने मिलेंगे, एंड जो फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का दैट इज 173, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। दैट इज फर्स्ट मीटिंग कब होगी, तो ये जो होती है विद इन 30 डेज होनी होती है, विद इन 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड उसके बाद जो एक और इसी सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि हर साल कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, और कोई भी 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 120 डेज। तो ये था 173 पे इंपॉर्टेंट। राइट नाउ 85, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इट इज हाईली एडवाइजेबल टू यू गाइस दैट यू शुड बी वेरी यू नो व्हाट डू यू से इंपेक्टेबल अबाउट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर वेरी बेसिक इन अंडर कंपनीज लॉ, कि भाई पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, ओपीसी में कितने चाहिए, दैट इज 1% कंपनी, दोनों का आप देख सकते हो। सो यहाँ पे 7 और मोर% इज राइट आंसर। एज वी ऑल नो प्राइवेट कंपनी में कितना होता है, 2 से लेके 200, 2 मिनिमम है, 200 मैक्सिमम होता है, ओपीसी में ओनली 1% इज रिक्वायर्ड। राइट, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप करेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि आप कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी दैट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन विल बी आस्क ड्यूरिंग द एग्जाम। राइट, अब स्मॉल कंपनी क्या होती है गाइस, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप अपडेटेड बैरक्स से देखें। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है बिकॉज देर हैव बीन वेरियस अमेंडमेंट्स पर्टेनिंग टू द डेफिनेशन, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो इसका है कि जो स्मॉल कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके आगे एक और चीज दी हुई है डेफिनेशन में, अगर आप देखोगे दैट 50 लाख शुड नॉट एक्सीड 50 लाख एंड एज एनी अदर फिगर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जो एज मे बी प्रिस्क्राइब है उसके आगे लिखा है कि बट इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 50 लाख भी लिखा है कि इट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, फिर आगे भी लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब के बाद कि इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो यहाँ पे डिफरेंट सॉरी डाउट क्रिएट हो जाता है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे टर्नओवर को लेके भी दी गई है, टर्नओवर में भी सेम चीज है, यहाँ पे टर्नओवर में लिखा है कि इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, बट अगेन एनी अदर फिगर एज वी प्रिस्क्राइब विच शुड नॉट एक्सीड 100 CR। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे देखो तो 50 लाख एंड कितने दो दो फिगर है 10 CR, और यहाँ पे 2 करोड़ और 100, ठीक है। ये आज की डेट में आपको एमसीए की वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा, इफ यू सी सेक्शन 2 क्लॉज 85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, तो इसका राइट आंसर इज, अब आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन में एक में 4 करोड़ 40 करोड़ दिए, 4 करोड़ 40 करोड़, तो यहाँ पे 50 लाख एंड 2 करोड़, यानी कि यहाँ पे 50 लाख ये वाला फर्स्ट फिगर और 2 करोड़ ये वाला फर्स्ट फिगर। राइट, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 10 करोड़ होता 50 लाख की जगह पे और 100 करोड़ होता 2 करोड़ की जगह पे, तो आप ये वाला ही आंसर मार्क करते, राइट, क्योंकि वो दोनों इसमें से इन फिगर्स में से ही यूज किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंकिंग कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मींस, बैंकिंग कंपनी कैसे डिफाइन की गई है यहाँ पे कंपनीज एक्ट में, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को रेफर करने को बोला जाता है कि बैंकिंग कंपनी वो है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 5 क्लॉज सी में डिफाइंड है, ठीक है, ये आप याद रखें। नाउ कम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी शैल स्पेसिफाई देयर इन व्हाट, यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करता है जो भी प्रोस्पेक्टस होता है, राइट, इसमें क्या वो ऑब्जेक्ट क्लॉज उसका पता चलता है, लाइबिलिटी क्लॉज, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कॉन्टेंट ऑफ एमओए। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा, सेक्शन 3 पढ़ा होगा, शेड्यूल 1 अगर आपने कभी देखा होगा जिसमें कि सैंपल दिए हुए हैं एमओए के और एओए के, राइट, कैसे किस कौन सी टाइप की कंपनी, वेदर इट्स लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सबके लिए अलग टाइप का एक एमओए और एओए यहाँ पे उन्होंने ड्राफ्ट करके अपलोड किया हुआ है शेड्यूल 1 में, राइट। सो अगर आपने ये सेक्शन 3 या फिर शेड्यूल 1 देखा होगा, सो यहाँ पे जो क्लॉजेस होते हैं एमओए में वो ये सभी होते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट भी होता है उसमें कि ऑब्जेक्ट कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, लायबिलिटी कितनी होगी हर शेयर होल्डर की, मेंबर की,
अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या, यानी कि ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन। और ये जो ऑप्शन डी यहाँ पे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इन्हीं सब की एग्रीगेट की, कि भाई सीधे सीधे एक एक करके ना बोलो, कंटेंट ऑफ एमओए की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है दैट ऑल दी वाइटल इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी देयर, सो दैट इट ब्रिंग्स और इट इनेबल्स दी इन्वेस्टर और दी पोटेंशियल इन्वेस्टर टू टेक अ वाइटल डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी कितनी लायबिलिटी है, वहां पे उनके फाइनेंस कैसे हैं आज की तारीख में, वेदर इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट, राइट। आंसर डी था उसका। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर, वी शैल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द वैलिडिटी। हमने प्रोस्पेक्टस के बारे में देखा होगा, आपने भी चैप्टर नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा होगा सेक्शन 31, 32 और 33 में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है, राइट। जैसे 31 में आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस देखा है, 32 में आप देख सकते हो रेड हेरिंग, और यहाँ पे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इनमें से कौन सा है, रेड हेरिंग है, अब्रिज्ड है, शेल्फ है और डीम प्रोस्पेक्टस है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एक वाइटल इंफॉर्मेशन दी है वो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 ईयर का जो पॉइंट है वो सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पे है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यस, एज अ नेम सजेस्ट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब कि उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल की होती है। अ कंपनी कैन चूज टू ड्राफ्ट दिस डॉक्यूमेंट दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड दे कैन यूज इट अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, राइट। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है दैट द कंपनीज रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड इन ड्राफ्टिंग द सेम डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन। एक बार ड्राफ्ट करो, फाइल करो रजिस्ट्रार के पास में, एंड यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को, राइट। राइट आंसर वाज ए। नाउ कम्स, व्हाट इज द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इफ द कॉर्पोरेशन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी हमने देखा 31, 32, 33। 33 क्या बोलता है, 33 बात करता है एवरेज प्रोस्पेक्टस की, अगर आपने वो फेल कर गए तो क्या होगा, द राइट आंसर इज सी, यानी कि अगर आप यहाँ पे फेल करते हो तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है 50,000 रुपीज की फॉर ईच डिफॉल्ट, गेटिंग मी। अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस आपने फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लग सकती है 50,000 रुपीज की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर हाउ मेनी इयर्स कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो अब ये जो आंसर, ये 70-60 से सेम ही नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे मेंशन है कंपनीज एक्ट में या फिर पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में। रिसेंटली एक इसमें जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जजमेंट है, जिसमें कि बेस्ड ऑन दैट जजमेंट देयर इज गोइंग टू बी हैवी चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट ऑल्सो और आईटी एक्ट एंड अदर एक्ट एज वेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3 ईयर्स का। अगर कोई भी कंपनी को अभी 3 साल नहीं हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, 182 सेक्शन में दिया हुआ है। नाउ कम्स, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब ये जो कमेटी है वो कहाँ दी हुई है, सेक्शन 178 में दी हुई है ये, सॉरी हाँ 178 सेक्शन में यहाँ पे दी गई है नॉमिनेशन एंड रेमिनेशन कमेटी, यानी कि सेम चैप्टर है, चैप्टर 12 है ये, जिसमें 173 से 195 तक के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको दो तीन कमेटी के बारे में देखने मिलेगा, जैसे नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी तो है ही, एक आपको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 178, और यहाँ पे जो उसका जो बोर्ड का कंपोजिशन है वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट शुड कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर इज 178 में आपको मिलेगा, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ वी सी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये असर्शन रीजनिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया जाता है और सिर्फ हमें उनका वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स वही चीज बतानी पड़ती है यहाँ पे। और वेस्ट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, सो वहां पे अलोंग विद दिस वी हैव टू मेक श्योर कि वहां पे उसकी रीजनिंग भी सही है कि नहीं, भले दोनों ट्रू हो, बट अगर असर्शन सॉरी रीजन और असर्शन दोनों
दोनों अलग बातें कर रहे हैं, दोनों कानों के एक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट मेक एनी गुड सेंस, देन हमें उसके हिसाब से ऑप्शन मार्क करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट? अब ये क्या बोल रहे हैं, नोटिस फॉर अ मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इन राइटिंग 21 डेज बिफोर द मीटिंग। वो कह रहे हैं भाई कभी भी मीटिंग होगी और ये मीटिंग अगर कहीं पर कुछ नहीं लिखा है तो ये जनरल मीटिंग मानी जाती है, राइट? जनरल मीटिंग या फिर इसको एजीएम जो अपन कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि किस में दी होती है, सेक्शन 96 में दी होती है, जो कि किस में आता है, जो कि चैप्टर 7 में आता है, ठीक है? 88 से 122 तक के सेक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बोर्ड की बात होती है, इस पे मीटिंग्स की भी बात होती है, 96 में आप एजीएम की बात करते हो, सेक्शन 100 में आप ईजीएम की बात करते हो, राइट? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई एजीएम की मीटिंग होगी उसमें नोटिस अगर इशू करना होगा, 21 डेज का रिटर्न नोटिस यहाँ पे देना होता है। क्या ये सही चीज है? बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए सर आप इसको राइट कर दो, बट आई टेल यू द ट्रूथ नाउ, नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ पे क्या ये सही है? बिल्कुल गलत लग रहा है, तो सुनने में गलत लग रहा है कि भाई जैसे ही नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा 48 आवर्स में उसको हम मान लेंगे कि ये सही है, मतलब पहुंच गया होगा उन तक, राइट? ठीक है, इसमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, गिवन टू एवरी मेंबर पे आप फोकस करो, यहाँ पे लिखा गया है कि हर मेंबर को नोटिस देना कंपलसरी होता है, तो क्या सही है? आगे आप नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्रेशन में देख सकते हो, इट इज नॉट राइट। ऐसा इसलिए क्यों है? दोनों आप दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है। पहला वाला फॉल्स इसलिए गाइस कि सबको नोटिस नहीं दिया जाता है, नोटिस सिर्फ एलिजिबल मेंबर को ही दिया जाता है। एलिजिबल मेंबर मींस पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू द नोटिस, हर मेंबर एंटाइटल्ड नहीं होता है, देयर आर वेरियस रीजंस, राइट? यहां पे आप देख सकते हो एंटाइटल इंडिविजुअल्स एंटाइटल्ड टू रिसीव सच नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये रूल्स में है, इट इज नॉट इन द कंपनीज एक्ट, ये रूल्स में, कंपनीज एक्ट के कभी कभी रूल्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे विद इन एक्सपायरेशन ऑफ द 48 आवर्स दिया हुआ है यहाँ पे, इफ अ नोटिस फॉर जनरल मीटिंग इज सेंट बाय पोस्ट इट विल बी डीम्ड टू बी सर्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 48 आवर्स आफ्टर द कंटेनिंग ऑफ द नोटिस इज पोस्टेड, ठीक है? नाउ नाउ कम सर, व्हाट इज द एपीलेट अथॉरिटी? हाँ, ये इजी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने एनसीएल सॉरी एनक्लैट से अगर आपने एनक्लैट से अगर कोई ऑर्डर निकाल लिया है, तो अगर आपको अपील करना है, सो व्हाट वुड बी द राइट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो यहाँ पे राइट आंसर वुड बी सुप्रीम कोर्ट। द राइट हायरार्की इज एनसीएलटी सबसे पहले, राइट? देन इफ द अपील हैज टू बी फाइल देन इट हैज टू बी एनक्लैट, और इसके बाद भी अगर अग्रीड पार्टी कहीं जाना चाहती है देन द राइट फोरा वुड बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी सी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वॉज रूल्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहां से आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जिसने भी पढ़ा होगा उनको यह भी पता होगा कि इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं टर्कवांस रूल, राइट? तो टर्कवांस जो नाम था यह आया था टर्कवांस के केस से, तो यहां पे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवान इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां से डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया था। डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? तो डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन होता है? ये एक्सेप्शन होता है उस डॉक्ट्रिन का जिसमें कि कोई भी अगर मेंबर किसी भी कंपनी के साथ इन्वॉल्व होता है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन माना जाता है कि वो इंसान ने, उस पार्टी ने, उस ट्रेडर ने, उस बिजनेसमैन ने कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ रखे होंगे, दैट इज MOA, AOA, एंड ही दैट पर्सन इज अवेयर ऑफ द इंटेंट ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द लाइबिलिटीज, वहां पे कौन की एमपीज हैं, एटसेट्रा, राइट? तो इसी चीज का जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है उसी का एक्सेप्शन होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि अगर कोई भी कोई पर्टिकुलर फैक्ट वो कंपनी के इंटरनल मैटर्स रिलेटेड है, और देर इज नो चांस दैट एनी आउटसाइडर गेट्स दैट इंफॉर्मेशन, सो कोर्ट कभी प्रेज्यूम नहीं करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो उसको पहले से ही पता होगी, नहीं पता हो सकती क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट का मामला था, बाहर तक इन्फॉर्मेशन आना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? नाउ 16th में क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, पब्लिक इंटरेस्ट, पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द ट्राइब्यूनल। इसमें से क्या क्या सही है, लेट्स सी। यहाँ पे ऑप्शन डी दिखा रहे हैं, यहाँ पे सारे सही है, बिल्कुल सही जवाब। रजिस्ट्रार अगर कंप्लेंट करेगा तो भी हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में डेफिनेटली इट मेक्स सेंस, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कर दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी सीरियस रेजोल्यूशन वी कैन से, बिकॉज देयर 2/3 ऑफ द मेंबर्स वोटिंग दे आर इन द फेवर ऑफ दिस यू नो इन्वेस्टिगेशन। नाउ
अगर कोर्ट ट्राइब्यूनल बोलेगा, एनसीएलटी बोलेगा कंडक्ट करने को, तो डेफिनेटली उसका कोई डिनाइल नहीं है, करना ही पड़ेगा, राइट। अभी 210 जो था वो कौन से चैप्टर में आता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा चैप्टर 14, चैप्टर 14 साफ साफ बोलता है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन में आता है 206 से लेके 229 तक ये पूरा चलता है, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 211 में SFIO का भी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के नाम से जानी जाती है। और कंपनी रिलेटेड मैटर्स में SFIO टेक्स अ लीड, यू नो, इन कंडक्टिंग वेरियस इन्वेस्टिगेशंस, एंड दे अकॉर्डिंगली सबमिट द रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू ROC, टू NCLTs एटसेट्रा, राइट। नाउ अब एंट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई एंट्रेंचमेंट कौन से सेक्शन में आता है। सबसे पहले एंट्रेंचमेंट जिसको नहीं पता है, ये होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक टॉपिक, ठीक है, उसका एक एंसिलरी टॉपिक है। यानी कि अगर AOA में कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं जिसको कंपनी या फिर उसके मेंबर्स स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि यार इन क्लॉजेस को तो कोई इजीली ऑल्टर ना कर पाए, राइट, तो उसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। तो यानी कि अगर सपोज मान लो कि आप कंपनी चाहती है, मेंबर्स चाहते हैं शेयर कैपिटल क्लॉज को इजीली आप ऑल्टर ना कर पाओ, तो ऐसे केसेस में एंट्रेंचमेंट के थ्रू उसका अलग से प्रोसीजर बना सकते हैं कि कितना यहाँ पे सपोज अगर मान लो कि किसी भी क्लॉज को सिर्फ 75% मेजोरिटी से ऑल्टर किया जा सकता है, राइट। एंट्रेंचमेंट के बाद में ये डिसाइड भी हो सकता है कि जैसे शेयर कैपिटल क्लॉज है, आर्टिकल्स के पार्ट एक आर्टिकल है, इसको हम 90% से करेंगे, बाकी सबको 50% से करेंगे, इसको 75% से करेंगे, बाकी इसको 90% से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहते हो, राइट। और ये कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 5, यानी कि आर्टिकल्स के डायरेक्ट बाद, आर्टिकल्स 4 में रहता है, 5 में एंट्रेंचमेंट आ जाता है, 3 में MOA है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 10A ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। 10A ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में क्या बोल रहा है वो, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे सेक्शन 10A, तो यहाँ पे दीज थ्री आर दी बेसिक यू नो रिक्वायरमेंट्स अंडर द एक्ट। नाउ 19th, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, एवरी लिस्टेड कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 10 10 करोड़ रुपीज और मोर मस्ट अपॉइंट अ की मैनेजेरियल पर्सनल। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि अ पर्सन मस्ट एक्ट एज KMPs इन मोर देन वन लिस्टेड कंपनी, बट द नंबर मस्ट नॉट एक्सीड 5 कंपनीज। ये वाला जिसने भी ये KMPs वाले चैप्टर पढ़ा है, यानी कि चैप्टर ये कौन सा हो गया, चैप्टर हो गया ये 13, चैप्टर 13 हुआ ये, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल। यहाँ पे आप क्या क्या देखते हो, यहाँ पे आप देखते हो 195 से लेके 205, ठीक है, 196 है। तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर वुड बी व्हाट, राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि यहाँ पे केएमपी जो होते हैं इसकी जो यहाँ पे अगर आप देखोगे रूल्स, जैसे हमने पहले देखा था रूल्स से क्वेश्चन आया था, सेम चीज ये भी है, यहाँ पे हर टॉपिक के ऑलमोस्ट रूल्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे 2014 के अपॉइंटमेंट और KMPs के लिए भी रूल्स आए थे, जिसमें कि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे एवरी पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को होना अपॉइंट करना पड़ता है, या फिर अगर लिस्टेड नहीं है तो कोई भी पब्लिक कंपनी इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर मोर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मोर देन वन कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी में आप KMP की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो, तो अगर आप एक कंपनी में ऑलरेडी हो तो आप ज्यादा से नहीं कर सकते, ऑप्शन में दिया था 5, इसलिए वो गलत हो जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट का। इट इज हाईली एडवाइजेबल कि आपको सारे चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, राइट। सारे अगर 29 चैप्टर्स हैं तो आप 29 चैप्टर्स के नाम याद रखो, प्लस उसमें सेक्शंस कौन कौन से आते हैं आपको वो भी याद रखने चाहिए, ठीक है। चैप्टर 3 की बात हो रही है, हमें पता है फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है, सेकंड क्या होता है, सेकंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता है, 22 में खत्म हो जाता है, 23 से 42 तक क्या चलता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज और प्रोस्पेक्टस की बात होती है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इज द राइट आंसर हियर, राइट। सो दीज वर सम क्वेश्चंस गाइस, जो कि कंपनीज एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना इजी भी लेवल नहीं था इनका, थोड़े से हार्ड भी थे। सो आप आई थिंक आपको जिस समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आप बेसिक भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी एज मिल सकती है, बिकॉज कंपनीज एक्ट में बहुत डीप में तो नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इन सम वे और दी अदर। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी टॉपिक्स के लिए वीडियोस बनाई जाए जब तक हमारा CUET का एग्जाम नहीं होता है, तो प्लीज डू ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस, शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो भी अगर CUET प्रिपेयर करना चाह रहे हैं,
ताकि वो भी आपकी तरह बेनिफिट ले पाए इस चीज का, राइट। और अगर आपको आगे किसी भी चीज की जरूरत हो, जैसे कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कहीं से, डू विजिट द टॉप रैंकर्स वेबसाइट, यहाँ पे आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट भी, यहाँ पे पेड मॉक टेस्ट का एक सीरीज भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और अगर एज आई मेंशन कोई भी अगर आपको जरूरत हो, प्लीज डू कॉमेंट, आर टीम विल रिस्पॉन्ड टू इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज सत्येंद्र साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।